हेलो एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 इन द ज़ू को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ इस पाठ का अनुवाद, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। पिछले इतवार को मौसम बदली वाला था। अरुण अलोंग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा विजिटेड द ज़ू। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। As they reached the main gate of the zoo, they saw a huge crowd. जैसे ही वे दोनों चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने बहुत भीड़ देखी। Some people were buying entrance tickets, while others were relaxing in the shade of trees. कुछ लोग तो प्रवेश का टिकट खरीद रहे थे और बाकी लोग पेड़ों की छाँव के नीचे सुस्ता रहे थे। As they entered the zoo, जैसे ही वे चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश करते हैं, नेहा, आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द ज़ू, डोंट यू थिंक वी मे बी अट्रैक्ट बाय द एनिमल्स ऑफ द ज़ू। नेहा परेशान होते हुए अपने भाई से कहती है कि मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने में डर लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अंदर जानवर हम पर आक्रमण कर देंगे? अरुण, डोंट वरी नेहा, इन द ज़ू Some animals are kept in the cages and some are kept in the area surrounded by the barrier. अरुण नेहा को कहता है, परेशान मत हो नेहा, चिड़ियाघर के अंदर कुछ जानवरों को पिंजरे के अंदर रखा जाता है और कुछ जानवरों की रहने की जगह को चारों ओर से घेर दिया जाता है। Look, there are so many animals here. देखो यहाँ कितने सारे जानवर हैं। नेहा, Oh yes. I want to see a giraffe first. Where is the giraffe? नेहा कहती, अरे हाँ, मुझे सबसे पहले जिराफ देखना है, कहाँ है जिराफ? अरुण, see the giraffe is near the fence. It has a long neck. अरुण कहता है, देखो वहाँ उस चार दीवारी के पास जिराफ है, इसकी लंबी गर्दन होती है। नेहा, brother, look at the monkeys. नेहा कहती अपने भाई से, भाई देखो बंदर। अरुण, यस द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। अरुण कहता है, हाँ बंदर पेड़ों पर ऊपर नीचे झूल रहे हैं। नेहा, ओ माय गॉड, लुक एट द टाइगर। नेहा आश्चर्यचकित होते कहती, हे भगवान, देखो वहाँ पर बाघ। अरुण, इट्स ऑन द रॉक। अरुण कहता है, हाँ वो चट्टान के ऊपर है। नेहा, लुक ब्रदर, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, वेयर इज द लायन? नेहा अपने भाई से कहती है, देखो भैया बाघ चट्टान से नीचे उतर रहा है, इसके शरीर पर तो धारियां बनी हैं, शेर कहाँ है? अरुण, सी द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, इट लुक्स सो पावरफुल। अरुण नेहा से कहता है, शेर अपनी गुफा के सामने है, देखो ये कितना शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। इट इज स्लीपिंग, यह सो रहा है। नेहा, वाओ, लुक एट द पीकॉक। नेहा खुश होते हुए कहती है, वाह मोर को देखो। अरुण, इट इज डांसिंग इन द गार्डन। अरुण कहता है, यह बगीचे में नाच रहा है। नेहा, लुक एट दोस येलो बर्ड्स देयर। नेहा कहती है, उन पीली चिड़ियाओं को देखो वहाँ पर। अरुण, यस दोस बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। हाँ वो पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्रीज? क्या तुम पेड़ के पीछे बेबी डियर को देख सकती हो? नेहा, ओ यस एंड लुक, देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्रास। नेहा कहती है, अरे हाँ और देखो वहाँ पर जेब्रा का एक परिवार भी है। अरुण, यस डियर, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। हाँ प्रिय, बेबी जेब्रा मदर जेब्रा और फादर जेब्रा के बीच में खेल रहा है। दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज। इन सभी जेब्रास के शरीर पर
सफ़ेद और काले रंग की पट्टियाँ बनी हुई हैं। दे सॉ अदर एनिमल्स टू एंड एंजॉयड वेरी मच। उन दोनों ने और जानवरों को भी देखा और बहुत मज़े किए। When it was evening, they came out of the zoo and boarded the bus. जब शाम हुई तो ये लोग वहाँ से बाहर आ गए और बस में सवार हो गए। तो देखा आपने पाठ कितना आसान था। उम्मीद है आपने मज़ा किया होगा। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। Weather माने मौसम, visited भ्रमण के लिए गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विजिट माने भ्रमण करना। एंट्रेंस प्रवेश द्वार, रिलैक्सिंग आराम कर रहे हैं, सराउंडेड घिरा हुआ, स्विंगिंग झूल रहे हैं, बिहाइंड पीछे, बोर्डेड सवार हुए, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बोर्ड जिसका अर्थ होता है सवार होना। इसके बाद प्रश्न होता है, इसे मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद पीछे पेज नंबर 18 पर वर्ड पावर है, सर्कल द ऑड वन आउट वन हैज़ गिवन वन हैज़ डन फॉर यू, इसे आप कर लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं, ये भी मैंने आपके लिए करके अपलोड कर दिया है। आप इसे देखिए, अपनी कॉपी में उतारिए, याद करिए और छुट्टियां होते हुए भी आप घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो लेकर जल्द आऊँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। Keep smiling.